सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग गरुड़ ध्वजक नाटक के द्वितीय अंक का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्रथम अंक का सारांश हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तृतीय अंक का सारांश। जैसा कि परीक्षा में दो ही प्रश्न बनते हैं, प्रथम अंक का सारांश लिखिए या द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। और ये गरुड़ ध्वज नाटक जो है आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीता, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर जिला में ही पढ़ाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि दो ही प्रश्न बनेगा, प्रथम अंक का सारांश लिखिए या द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। परीक्षा में दो प्रश्न बनता है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है और जो प्रश्न पे जो अंक का निर्धारण होता है वो 5 अंक का होता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं गरुड़ ध्वज नाटक के द्वितीय अंक का सारांश। गरुड़ ध्वज नाटक के द्वितीय अंक के प्रारंभ में ही मानदाता सेनापति विक्रमभित्र को तक्षशिला के राजा अंतलिक के मंत्री हलोदर के आगमन की सूचना देता है। कुरु प्रदेश के पश्चिम में यवन प्रदेश है जिसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। अंतलिक शुंग वंश से भयभीत था। उसका मंत्री हलोदर भारतीय संस्कृति में आस्था रखता था। वह अपने शासन से संबंधित श्रृंग राज्य की सीमा में विवाद को वार्ता द्वारा हल करना चाहता था। अंतलिक ने वार्ता का सारा दायित्व हलोदर को सौंप दिया था, इसीलिए वह अपने शासक का दूत बनकर यहाँ आया था। इसी समय विक्रमित्र देवभूमि को पकड़ने के लिए कालिदास को काशी भेज देते हैं। विक्रमित्र बताते हैं कि कालिदास का वास्तविक नाम मेघरुद्र था। वह 10 वर्ष की आयु से ही बौद्ध भिक्षुक बनकर यहाँ आया था। मैंने उसे विदिशा के महल में 1 वर्ष रखा और उसका नाम कालिदास रख दिया। विक्रमित्र एक प्रकार से उसे पालक पिता ही हैं। काशी का घेरा डालकर कालिदास काशीराज के दरबार में बौद्ध आचार्य को अपने व्यक्तित्व और विद्वता से प्रभावित कर देते हैं। वे देवभूमि में काशी राज को बंदी बनाकर विदिशा ले आते हैं। विक्रमित्र और हलोदर में संधि वार्ता होती है। हलोदर विक्रमित्र से शर्त स्वीकार कर लेते हैं। वह अंतलिक के द्वारा भेजी गई भेंट विक्रमित्र को जो है देते हैं। इस भेंट में स्वर्ण निर्मित एक रत्न जड़ित गरुड़ ध्वज भी है। हलोदर विदिशा में विक्रमित्र को स्वीकृति लेकर एक संधि स्तंभ का निर्माण कराता है। इस समय बासंती कालिदास का स्वागत करती है और अपनी वीणा पर रखी हुई पुष्पमाला कालिदास के गले में डाल देती है और यही दूसरे अंक का जो है समापन हो जाता है। बहुत कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है और जैसे मैं बताया हूँ बस ऐसे ही आपको परीक्षा में ऐसे ही लिख देना है। 80 शब्द में आपका पूरा समाहित हो जाएगा, आपको 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर उधर के गाइड वाइड किताब के चक्कर में ना पड़िएगा। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप ऐसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और ऐसे ही जो है परीक्षा में जैसे पेपर आएगा आप ऐसे ही उतार दीजिएगा, आपको 5 नंबर में 4 नंबर 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके बाद से कल मैं आपको जो है तृतीय अंक का सारांश दे दूंगा और लास्ट में प्रथम अंक, द्वितीय और तृतीय अंक का तीनों का जो है मर्ज करके मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।